8 नवंबर को सिहोर में आष्टा के गुराड़िया रूपचंद गांव में कड़े लूटने के लिए बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए थे। पुलिस ने इस मामले में 13 दिन बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक शुक्ला ने प्रेस वार्ता करके इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2 आरोपियों को कर्ज देना था, इसलिए उन्होंने लूट की योजना बनाई। इसमें अन्य 2 आरोपियों को भी शामिल कर लिया। बताया गया है कि चांदी के 1 किलोग्राम वजनी 2 कड़े बेचने के लिए पहले भटकते रहे, इन्हें कोई व्यापारी नहीं खरीद रहा था। इसके बाद आरोपियों ने जितेंद्र से संपर्क किया। जितेंद्र अपने पहचान के सराफा व्यापारी को कड़े दिए, जिसकी कीमत आरोपियों को 80,180 रुपए मिली। देखिए, इसमें हमारे आष्टा थाना क्षेत्र के गांव गुराड़िया रूपचंद में 8 तारीख को एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला का शव हमें बरामद हुआ था। और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के अवलोकन से इसमें हत्या और लूट दोनों एंगल निकल के आए थे, जिसकी हमने FIR दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की थी। इसमें हमारे एडिशनल SP से लेकर के और SDOP और पूरी हमारी जो लोकल टीम है, इसके अलावा हमारी सभी तकनीकी शाखाएं, साइबर शाखा, फिंगरप्रिंट शाखा, अन्य तकनीकी शाखाओं ने लगातार इस पर काम किया। और 2 सप्ताह तक लगातार इसको डेवलप करने के बाद, चूंकि ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, इसमें हमारी टीम को सफलता लगी है। और जो इसमें आरोपी थे, कुल 4 आरोपी इसमें निकल के आए हैं। इन सभी को हमने हिरासत में लिया है, गिरफ्त में लिया है। जो घटना में लूट का सामान था, चांदी का कड़ा, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना किस तरह से घटित हुई, उसमें क्या घटनाक्रम रहा, फिर इन्होंने किस तरीके से सामान मशरूके को ठिकाने लगाने की कोशिश की, सारी घटनाक्रम हमारे सामने स्पष्ट हुए। और जैसा कि इसमें तत्समय ही मेरे द्वारा 10,000 का इनाम उद्घोषित किया गया था, अभी इसकी गंभीरता को देखते हुए IG महोदय द्वारा 30,000 का इनाम उद्घोषित किया गया है, वो हमारी टीम को हम पुरस्कृत करेंगे इसमें। और घटना के जो 4 आरोपी थे, जो घटना में लूटा हुआ सामान था, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो घटना में प्रयुक्त वाहन थे, कुल्हाड़ी, जो हथियार था, उस सभी पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्ती में लिए हैं। और चूंकि एक अत्यंत गंभीर घटनाक्रम था, इसको हम चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण में लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक दोषियों को दिलवा सकें। सभी आरोपी इसमें गिरफ्त किए गए हैं और एक अच्छी सफलता पुलिस टीम को हाथ लगी है।